मैंने उसके बारे में बताया। अगला क्वेश्चन है बीकॉम के बारे में, लेकिन बच्ची का क्वेश्चन यह है कि बीकॉम ऑनर्स के बारे में वो पूछ रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इसको क्लैरिफाई कर दें कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स में क्या फर्क है देखिए, और बीकॉम पहले प्रोफेशनल कोर्स पहले को क्या इंडिया कहते के हैं। जितने भी यूनिवर्सिटीज थे वो ऑनर्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे, और यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को कहा कि आप सेमेस्टर सिस्टम में आइए। सेमेस्टर सिस्टम में आपकी हर 6 महीने पे परीक्षा होती है। ऑनर्स सिस्टम में आपके 2 ही पेपर होते हैं और उनकी परीक्षा साल में 1 बार होती है। जो सेमेस्टर सिस्टम है वो एडवांस है, उसमें आपको 5-5 पेपर हर सेमेस्टर में होते हैं मिनिमम, कई कई विश्वविद्यालयों में 6 पेपर होते हैं। और जो बहुत एडवांस है IIM अहमदाबाद, वहां पे सेमेस्टर भी नहीं, ट्रिमेस्टर है, यानी हर 3 महीने पे आपका एक ट्रिमेस्टर होता है। लेकिन जो एडवांस सिस्टम है ऑनर्स के ऊपर वो है सेमेस्टर सिस्टम। तो बीकॉम प्रोफेशनल जो है वो सेमेस्टर सिस्टम पर है, आपको हर सेमेस्टर में 5 पेपर है, कभी कभी 6 पेपर है, और आपको ऑनर्स वाला 2-2 पेपर वाला सिस्टम नहीं है। तो बीकॉम जो ऑनर्स है वो वहां पर एनुअल सिस्टम है एग्जाम का, और जो प्रोफेशनल है वहां पर सेमेस्टर सिस्टम है, हर 6 महीने पे एग्जाम होगा। तो जो ज्यादा एडवांस है, जो यूजीसी के गाइडलाइन का पालन हो रहा है, वो है आपका सेमेस्टर सिस्टम। और बहुत से विश्वविद्यालय, बिहार के विश्वविद्यालय अभी तक जो है वो ऑनर्स को चला रहे हैं, सेमेस्टर सिस्टम पे नहीं आ पाए हैं, क्योंकि वो साल में 1 बार भी टाइम पे एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं, तो सेमेस्टर कहाँ से ले पाएंगे, साल में 2 बार एग्जाम कहाँ से ले पाएंगे। तो उनका एक साल का 1 बार का एग्जाम, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्जाम, वही डिले चल रहा होता है। और सेमेस्टर सिस्टम में आपको हर सेमेस्टर में एग्जाम लेना होता है, 6 एग्जाम हो जाते हैं, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, इस तरीके से चलता है। और अगर हम बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो उसमें 6 महीने का इंटर्नशिप है, 3 महीने का इंटर्नशिप सेमेस्टर 5 में, और 3 महीने का इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप मैं नहीं कहूंगा उसको, मैं आर्टिकलशिप कहूंगा, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आर्टिकलशिप होती है ना, वैसे आर्टिकलशिप करना पड़ेगा उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ पर। और जो बच्चा बीकॉम में 6 महीना चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉर्म में आर्टिकलशिप कर लेगा, उसको अच्छा जॉब मिलने में, उसको टैक्सेशन समझने में, ऑडिट समझने में, अकाउंटिंग समझने में, प्रोजेक्ट मेकिंग समझने में, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बीकॉम प्रोफेशनल में आर्टिकलशिप भी है, और जो उसका सिलेबस है वो बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लेवल का है। अगर किसी को CA करना है तो बीकॉम प्रोफेशनल जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का है वो एक